हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पीछे मैं आया हूँ जहाँ पे हम सब्जी वब्जी लगाते हैं। तो ये देख सकते हो, वो जो घास मैं उस दिन साफ़ करा था वो घास साफ कर दिया है। और ये जो अरबी दिख रहा है इसको अभी निकालना है इस मिट्टी से, तो शायद इसको कल से निकाले। और यहाँ पे एक पौधा हमने लगाया था, आप देख सकते हो ये आम के पेड़ पे, इसको बंगला में चूई बोलते हैं। इसके अलावा और भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कद्दू के पौधे लगा रखे हैं और इधर मिर्च के पौधे तो आपको दिखा ही रखे हैं। और ये है प्याज, तो प्याज आपको बता दूँ यहाँ पे फिर से गुड़ाई करने के लायक हो गया है। कल सुबह शायद गुड़ाई कर दूँ इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्याज है। और इसके अलावा कल जहाँ पर हमने साग बोया था वहाँ पर भी अच्छे से पानी डाल दिया है, साग बो के पानी अच्छे से डाल दिया है। इसके अलावा इधर लहसुन है, लहसुन भी पकने वाला है, 15-20 दिन बाद इसको फिर निकालना है लहसुन को। और इधर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सूख रहा है प्याज, और बंदर बहुत परेशान करते हैं। आप देखते हो बंदर ये पेड़ को तोड़ ओड़ के चले गए, उखेड़ उखेड़ के बंदर बहुत परेशान कर रहा है। और इसके अलावा जो आम के पेड़ में आप देखते हो फूल आए थे, वो छोटे छोटे अभी कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे आम भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो ये था हमारे पीछे का आज का पेड़ पौधे कैसे आज है अभी वो मैं आपको दिखा रहा था। इधर थोड़ा सा घास आपको दिख रहा होगा बच गया है अरबी के उसमें, तो इसको भी निकाल के फिर अरबी को कल निकालते मिट्टी के अंदर से। घर के सामने जो बरगद का पेड़ था उसमें बंदर आया था, तो एक कुछ उसको भगा रहा था। देख सकते हो पैर ऊंचा ऊंचा करके उसको डरा रहा है बंदर को, पेड़ पे जो बंदर है। ये रात जब शाम हो गई थी तब घर के सामने जहाँ कीर्तन होना है उसके लिए जो लकड़ी लाया था, पहले भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, वो लकड़ी को काट रहे थे और उसको कल फाड़ेंगे ताकि जला के फिर भंडार के लिए प्रसाद बनाया जा सके। तो ये आरी मशीन से उसको काट रहे थे, छोटा कर रहे थे ताकि फाड़ने में आसानी हो। और सभी मिलके करते हैं, गांव वाले सब एक साथ काम करते हैं कीर्तन के लिए। तो देख सकते सभी मिलके कल लकड़ी को छोटा कर रहे थे आरी मशीन से, और उसके बाद इसको फाड़ना भी है कुल्हाड़ी से। तो फाड़ने के बाद फिर इसे लकड़ी से भंडारे का प्रसाद तैयार होता है। तो इस तरीके से गांव में सभी मिलजुल के कीर्तन करते कर रहा हूँ। रात का डिनर दाल और चावल, और ये है कुछ जो कि कुछ दिखा रहा है मेरे थाली में। कुछ खाना कम खाता है, इधर उधर ज्यादा देखता है, मेरे थाली के खाना ठंडा कर रहा है फूंक मार के। हे गाइस, तो रात का डिनर करके अभी मैं आ गया हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग एंड हो रहा है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।